सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आइए अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। दोस्तों, मेरे पिछले कई वीडियोस के अंदर कंटिन्यू कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आपने हमें यह तो बता दिया कि किस प्रकार से आईए की तैयारी करें, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि हम किस प्रकार से आईए के सिलेबस को कम्प्लीट करें। तो आज की मैं इस क्लास के अंदर आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आईए की तैयारी के लिए आप जो सिलेबस है उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे पूरा करोगे। तो मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि मैं आपको बताऊं, घुमाऊं और बता दूं आपको कि इस प्रकार से कर लो और आप फाइनलाइज आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपके सामने ऐसा कोई बताता भी है तो मुझे नहीं लगता कि वो 100% सत्य है, क्योंकि देखो हर कोई अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करता है। मैं भी अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने जब इसकी तैयारी की थी आईए की, और मेरे स्टूडेंट्स जिनको मैंने तैयारी करवाई थी और हम सब लोग आज सिलेक्टेड हैं, तो हम लोगों ने किस प्रकार से तैयारी की थी वो स्टेप बाय स्टेप जो तरीका है वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर यूज करिए, अदरवाइज तो आप जो तैयारी कर रहे हैं वो आप इसे करते रहिए। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से आईए के सिलेबस को हम कम्प्लीट करते हैं। सबसे पहले हमें जो करना है वो करना है कंप्यूटर की हिस्ट्री। कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। आप कंप्यूटर की हिस्ट्री से मतलब ये समझिए कि अबेकस जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था, पहला गणना यंत्र, वहाँ से आपको पढ़ना है कौन सा कंप्यूटर कब बना था, कौन सी डिवाइसेस यूज हुई थी, कौन से ईयर में यूज हुई थी, किसने उनको बनाया था, ये सब आप पढ़ेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री के अंदर। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो आप चाहो तो मेरा वीडियो देख सकते हैं। साथ में उसके साथ मैंने एक डॉक फाइल भी आपके साथ शेयर की हुई है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप वहां से उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। इसी के साथ उस डॉक फाइल में मैंने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी डाल रखा है। पांचों जनरेशन आपको पढ़नी है कंप्यूटर की, कि कौन सी जनरेशन में कौन कौन सा कंप्यूटर बना, वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर आईसी कौन कौन सी जनरेशन के अंदर यूज हुए, एसएसआई एमएसआई वीएलएसआई यूएलएसआई ये क्या चीज़ होती है, कौन कौन सी जनरेशन में यूज होती है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, तो आप चाहो तो उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद में आपको क्लियर करना है कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, कंप्यूटर में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं डेलीगेंसी एक्यूरेसी, तो ये सब क्या होती है, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको ये भी अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद में आता है बेसिक ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का बेसिक ब्लॉक डायग्राम जो है किस प्रकार से काम करता है। आपको पता होता है ये कंप्यूटर के अंदर एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, और बीच में होता है सीपीयू, जिसका मतलब होता है सीयू एंड ALU। तो CU वैल्यू क्या होता है ये आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। उसके साथ में जो एक अटैच होती है वो होती है मेमोरी, वो कौन कौन सी होती है बेसिक, एक बार यहाँ पर आपको बेसिक पढ़ना है, और वो ब्लॉक डायग्राम जो कंप्यूटर का है उसको अच्छी तरह से समझना है। उसके बाद में अपने चलेंगे ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कि कंप्यूटर सिस्टम जैसे ब्लॉक डायग्राम समझा था, अब समझेंगे ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कि इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। लेटेस्ट पढ़ना है आपको, पुरानी किताबों के अंदर लेटेस्ट नहीं दे रखी है, आज की 2018 तक की जो लेटेस्ट डिवाइसेस ऐड हुई है आप गूगल पे सर्च करके, या फिर जब मैं उसका वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेड वीडियो, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं कि लेटेस्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है, तो वो आप इसके अंदर ऐड करिए। साथ में इसी के साथ जैसे इनपुट डिवाइस के रूप में पॉइंटिंग डिवाइसेस होती है माउस वगैरह, तो माउस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से उसमें क्लिक्स होते हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं, स्कैनर क्या होता है, प्लॉटर क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, ये सब आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। मतलब पूरा इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में आपको पढ़ना है नंबर 5 पे। उसके बाद में नंबर 6 पे आपको करना है मेमोरी मैनेजमेंट इन कंप्यूटर, कि कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम रोम क्या होते हैं, रोम के कितने प्रकार होते हैं, पी रोम क्या होती है, ई प्रोम क्या होती है, ये पढ़ना आपको। सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आपको देखना है हार्ड डिस्क वगैरह क्या होती है, ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा रजिस्टर्स, कंप्यूटर में रजिस्टर्स का क्या यूज़ होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या होते हैं, मेमोरी बफर रजिस्टर्स क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स क्या होते हैं, ये सब आपको रजिस्टर्स के बारे में पढ़ना है, कैश मेमोरी के बारे में पढ़ना है, ये मतलब कंप्यूटर की जो मेमोरी मैनेजमेंट है पूरा आपको अच्छी तरीके से इसको कवर करना है। उसके बाद 7 नंबर पे करना है आपको कंप्यूटर में प्रोसेसर कौन कौन से यूज़ होते हैं, CISC क्या होता है, RISC क्या होता है, और इन जो लेटेस्ट प्रोसेसर हैं i3 i7 वो क्या है, कब उनको इन्वेंट किया गया था, और उनके सबसे पावरफुल कौन सा है, सबसे ज़्यादा
बेटर कौन सा है, तो ये आपको अच्छी तरीके से प्रॉपर रूप से करने हैं। तो ये हो गया अपने कंप्यूटर का जो सिलेबस है, आईए का सिलेबस, उसका 7 नंबर पॉइंट। इसके बाद में पॉइंट आता है 8 नंबर, जिसका है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आपको ये पढ़ना है कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एक तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को बढ़ाता है प्रोसेसर की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर किसी एप्लीकेशन के लिए आप यूज करते हो, और उसका लॉजिकल सिस्टम आर्किटेक्चर की कौन सी मेमोरी पहले लगी होती है, जैसे कि पहले आपके सामने हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर के बाद में आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, उसके बाद में आपका यूजर होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल सिस्टम आर्किटेक्चर। तो इसको आपको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। उसके बाद आपको पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग में क्या फ़र्क है, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है कि एक ही मेमोरी कई प्रोसेसर के द्वारा यूज की जाती है या फिर हर प्रोसेसर के पास खुद की एक मेमोरी होती है, ये पूरा मेमोरी मैनेजमेंट किस प्रकार से होता है, फाइल मैनेजमेंट कैसे होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, सिक्योरिटी फीचर्स कौन कौन से हैं, और इसके अलावा जो ओएस की कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं वो सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपने ये देख लीजिए जो भी सॉफ्टवेयर, जैसे कि डिस्क वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जैसे डिस्क फॉर्मेट करना, तो वो अपने आप में क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, तो उन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स को भी आपको इसके अंदर ऐड करना है। तो बेसिकली वो पार्ट तो किसका है, सॉफ्टवेयर्स का है, लेकिन वो बेसिकली देखी जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम की कैपेबिलिटी को भी इन्हांस करते हैं। तो इस प्रकार से जो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है वो आपको सारा इसके अंदर करना है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है। इसके साथ साथ आपको सम जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनको भी आपको अच्छी तरीके से इसके अंदर करना है, जैसे कि ये क्या है, नॉलेज के बारे में बताना है कि किस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम बने थे, किस समय बने थे, उनका इन्वेंटर नेम कौन था और कौन से ईयर में बने थे, जैसे लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, और अपने विंडोज़ के जितने भी वर्जन्स हैं सारे आपको वर्जन्स अच्छे तरीके से देखने हैं कि विंडोज़ 3.0 से लेकर आज तक कौन कौन सा, जैसे मेरे हिसाब से शायद 2017 में अभी विंडोज़ होम चल रहा है, या इसके बावजूद भी अगर विंडो 10 होम के बाद में भी कोई आया है तो आपको उसको देखना है। तो मतलब लेटेस्ट नॉलेज है वो आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, क्योंकि वो जीके के अंदर भी आएगा और इनके अंदर भी आएगा, दोनों के अंदर वो यूज होगा। तो लेटेस्ट अपडेट आपको पढ़ना है चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद अपने चलेंगे नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल क्या होते हैं, इनको किस प्रकार से यूज करते हैं, एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे जाते हैं, ये सर आपको नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ना है। इसके बाद में कंप्यूटर कोड्स, के कंप्यूटर कोड्स क्या होते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या होता है, आस्की कोड क्या होते हैं, यूनिकोड क्या होते हैं, ABCDIC क्या होते हैं, ये आपको पर्टिकुलर पूरा एक चैप्टर मिलेगा, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया कंप्यूटर कोड्स। कंप्यूटर कोड्स वैसे क्वेश्चन पूछा आता है कि कैपिटल ए का क्या है, जो कोड क्या है, स्मॉल ए का कोड क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आस्की कोड क्यों यूज करते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, तो इसको पूरा आपको करना है। उसके बाद में देखो कंप्यूटर अर्थमेटिक, कई लोग कहते हैं इसको करने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर अर्थमेटिक और लॉजिक गेट्स जो करना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर बाई चांस थोड़ा सा पेपर हार्ड आया तो वहाँ में से उस कंडीशन में अर्थमेटिक में से भी और लॉजिक गेट्स में से भी क्वेश्चन निकलेंगे, तो इसलिए आप दोनों को करिए, ये अर्थमेटिक वाला भी करिए और लॉजिक गेट्स वाला करिए, बेसिक करिए। अर्थमेटिक के अंदर आप करिए कि जैसे बाइनरी फॉर्म को अगर एडिशन करते हैं तो कैसे करते हैं, सब्स्ट्रक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, डिवीजन कैसे करेंगे, इनका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये आपको अच्छी तरीके से इसके करने हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे हिसाब से, कंप्यूटर अर्थमेटिक के लिए आपको 2 घंटे देना इनफ है, 2 घंटे में आप इसको समझ सकते हो अच्छी तरीके से, और लॉजिक गेट्स के अंदर भी 2-3 घंटे, तो 5-6 घंटे अगर देते हैं तो आपके 2 एक्स्ट्रा टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, जो अगर पेपर हार्ड आया तो इनमें से क्वेश्चन जरूर निकलेंगे, तो आप इसको भी अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि ये फ्लो में चल रहे हैं इसलिए मैं आपको इसको बीच में डाल रहा हूँ 12 और 13 नंबर, आप यहीं से इसको कर सकते हो। 14 नंबर पे आपको करना है कंप्यूटर की लैंग्वेजेज, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, कब बनी थी, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, आपको पता होगा असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो किस प्रकार से काम करती है, असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर क्या होता है, असेंबलर किस प्रकार से काम करता है, उसके अलावा हाई लेवल लैंग्वेज के लिए कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, लिंकर क्या होता है, कैसे काम करते हैं, और बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट कॉमन हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि सी है, जावा है, फोर्टन है, फोर्टन कबूल के अंदर क्या करना है, फोर्टन किस लिए यूज़ होता है, फोर्टन की फुल फॉर्म क्या है, किसने बनाई थी, कौन से ईयर में बनाई थी। अब जैसे फोर्टन साइंटिफिक रीज के लिए यूज़ होता है, कोबोल है वो बिजनेस एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है, तो इन सब के लिए आपको
इनका एक जो मिनिमम डिस्क्रिप्शन है या इंट्रोडक्शन है वो आपको देखना पड़ेगा लगभग सारी लैंग्वेजेस का। तो मेरे हिसाब से करीबन ये 10 से 12 लैंग्वेजेस हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे इसके अलावा एक पास्कल होगी जो कि लोगों को सिखाने काम आती थी प्रोग्रामिंग, तो वो पास्कल किस प्रकार की लैंग्वेज है, तो इस प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें पता लगाना पड़ेगा कौन सी लैंग्वेज कंपाइलर यूज़ करती है, कौन सी इंटरप्रेटर यूज़ करती है, इन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यह है कंप्यूटर लैंग्वेजेज। उसके बाद में 15 नंबर पे कंप्यूटर की एल्गोरिथम पढ़नी है आपको कि कंप्यूटर में एल्गोरिथम कैसे यूज होती है, एल्गोरिथम के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज होती है, जैसे कि फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट्स के अंदर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिथम का, जिसमें एक आप कहते हैं रेक्टेंगल यूज़ होते हैं, डायमंड्स यूज़ होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है, वैसे ही सीडो कोड्स क्या होते हैं, किस प्रकार से यूज आते हैं, सीडो कोड्स की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये आपको पढ़नी है कंप्यूटर एल्गोरिथम के चैप्टर्स के अंदर। उसके बाद में 16 नंबर पे आपको पढ़ना है सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। इसका एक पूरा अलग से चैप्टर होता है जिसमें सिस्टम में कैसे आप इम्प्लीमेंट करते हो, इम्प्लीमेंट सिस्टम करते समय आपको उसमें टेस्टिंग कैसे होती है, डिबगिंग यानी एरर को निकालना क्या होता है, कितने प्रकार की एरर्स होती है, सिस्टम का डॉक्यूमेंटेशन या सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, सिस्टम को मेंटेन कैसे करते हैं, इसका पूरा एक अलग से चैप्टर मिल जाएगा। ये आपको पूरा इसको प्रॉपर करना है। उसके बाद में करना है आपको फाइल मैनेजमेंट, कि फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट कंप्यूटर में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, क्रिएट डिलीट सीक ये क्या होते हैं, ये सबको पढ़ना आपको। साथ ही डेटाबेस में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की थ्योरी भी करनी है, तो ये आपको अच्छे तरीके से इसके अंदर करना है। इसके अलावा आपको डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, जो नेटवर्क्स का पोर्शन है वो लगभग 3 से 4 दिन लेगा आपके, ये बड़ा टॉपिक है जिसमें टोपोलॉजीज है, डेटा ट्रांसमिशन है, और डेटा ट्रांसमिशन के मोड कौन कौन से हैं, मीडियम कौन कौन से हैं, स्पीड क्या होती है डेटा ट्रांसमिशन की, नेटवर्क टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स इसके अंदर यूज होते हैं, ओएसआई मॉडल क्या होता है, वायरलेस नेटवर्क क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग सिस्टम क्या होता है, ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो नेटवर्क के अंदर क्लियर होते हैं। ये सारे आपको प्रॉपर रूप से करने हैं। मेरे हिसाब से लगभग 3 से 4 दिन लग जाएंगे आपको नेटवर्किंग के सारे टॉपिक कंप्लीट करने में। और आपको बता दूँ एक अच्छा खासा जो क्वेश्चंस का जो एक रेशियो है वो कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क से पूछा जाता है, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करिए, प्रॉपर अच्छी तरीके से करिए। 19 नंबर पे होता है इंटरनेट, जो भी एक दूसरा पोर्शन जिसके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इंटरनेट, इसमें इंटरनेट की हिस्ट्री कब बना था, इंटरनेट क्या है, टेलनेट क्या है, कि इंटरनेट किसने बनाया था, और WWW ऐसे और भी एब्रीवेशंस होते हैं, जैसे WWW क्या हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब, ऐसे एब्रीवेशंस आपको याद करने पड़ेंगे। ब्राउजर्स कितने प्रकार के होते हैं, लेटेस्ट ब्राउजर्स कौन सा है, लेटेस्ट अपडेट, अपडेट का मतलब इंटरनेट के बारे में लेटेस्ट अपडेट सारा, कि कौन कौन से नए ब्राउजर्स अभी मार्केट में आए हैं, कौन कौन सी नई टेक्निक इंटरनेट में मार्केट में आई है, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। इंटरनेट टर्मिनोलॉजी क्या होती है वो पढ़ना पड़ेगा आपको, सिक्योरिटी इंटरनेट में कौन कौन सी होती है, और वो कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो इंटरनेट के अंदर यूज होते हैं। और साथ ही एक पूरा पोर्शन होता है ई कॉमर्स का, ई कॉमर्स क्या होता है, B2B, B2C, G2C ये क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया नंबर 19 पे। इसके बाद में आता है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के अंदर पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर में सिक्योरिटी किस प्रकार से यूज करते हैं, वायरस क्या होता है, वायरस की डेफिनेशन क्या होती है, किस प्रकार के वायरस होते हैं, ट्रोजन वायरस क्या होता है, और वायरस अटैक कैसे करते हैं, फायरवॉल्स क्या होती है, कौन कौन सी फायरवॉल्स बेसिकली आजकल चलन में हैं, लेटेस्ट अपडेट क्या है उसके बारे में, इसके लिए आप बैकअप कैसा लेते हैं, बैकअप को वापस रिस्टोर कैसे करते हैं कंप्यूटर में, ये सब आपको पढ़ना है कंप्यूटर की सिक्योरिटी के अंदर। 21 नंबर पे आपको करना है मल्टीमीडिया, कि कंप्यूटर में मल्टीमीडिया यूज कैसे होता है, जैसे कि बेसिकली 5-6 प्रकार से होता है, टेक्स्ट के रूप में हो गया, ग्राफिक्स के रूप में, ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में, एनिमेशन के रूप में, तो इन सब के बारे में पढ़ना आपको, कैसे कैसे यूज होता है, बेसिक फॉर्मेट क्या क्या होते हैं, और इनमें और कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू अपने ये मीडियम यूज कर सकते हैं। इसके बाद में 22 नंबर पर एमएस ऑफिस में आपको करना है 2007 पूरा कंप्लीट विद प्रैक्टिकल। देखो बिना प्रैक्टिकल की आपके लिए इसकी जो छोटी छोटी जो कीज है याद करोगे उससे मुझे नहीं लगता कोई खास फायदा होगा। आप पहले इसका प्रैक्टिकल करिए, प्रैक्टिकल करने के जस्ट बाद आप देखिए कि 2003 2010 और 2013 ऑफिस के अंदर ऐसी क्या चीज़ें थी जो 2007 में नहीं थी। ये आप कोई प्रोफेशनल जो आपको पढ़ा रहा है उससे आप सीखिए कि इनमें क्या फ़र्क था, क्योंकि क्वेश्चन सब में से उठ के आएंगे, तो आप सब इसको अच्छी तरीके से प्रॉपर कर लिए। ज़्यादा फर्क नहीं होगा, मिनिमम फर्क होगा, लेकिन वो फर्क होगा जरूर। तो क्वेश्चन ज़्यादा उठ के आएंगे 2003 में से और 2007 में से, ज़्यादा क्वेश्चन इनमें से आएंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि जैसे कि अब साल बहुत हो चुके हैं तो प्रोबेबिलिटी ये है कि 2010 और 2013 में से भी क्वेश्चन पूछ लें, तो आप इसको भी एक नज़र से निकाल लेना। एमएस ऑफिस कंप्लीट पूरा हो जाए उसके बाद आप करना एमएस एक्सेस। इस एमएस ऑफिस का तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ आप करिए पावर पॉइंट, वर्ड
और साथ में अपना एक्सेल, लेकिन एमएस एक्सेस अलग से करिए। एमएस एक्सेस के लिए अलग से ये खत्म हो जाए उसके बाद एमएस एक्सेस करें, क्योंकि एमएस एक्सेस एक अलग टॉपिक है पूरा। इसके लिए आपको डीबीएमएस का भी नॉलेज होना जरूरी है। तो इससे पहले एक पॉइंट में हमने डीबीएमएस के बारे में बेसिक पढ़ा था, यहाँ पर आप उसको और डिटेल में पढ़िए कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस क्या होती है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होती है, किस प्रकार से सेलेक्ट कमांड यूज होती है, इन सबको आप पहले पढ़िए, उसके बाद में एमएस एक्सेस का आप क्या करिए प्रैक्टिकल। और एम एस एक्सेस यूज कर सकते हैं 2007 का, 2003 का और या इसके बाद का, लेकिन आप इसको प्रॉपर प्रैक्टिकल करने के बाद ही आप इसको आगे बढ़िए। नेक्स्ट 24 पे आता है इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन कि सी लैंग्वेज क्या होती है, किसने बनाई थी, कहाँ बनी थी, कौन से सन में बनी थी, कौन कौन से कैरेक्टर सेट्स होते हैं, बेसिक इसके जो फंक्शन कौन कौन से होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉइंटर्स क्या होता है, ये जो सी लैंग्वेज का जो बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़िए। ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर डिटेल में पढ़ भी लोगे तो मुश्किल से एक या दो क्वेश्चन उस पर आना है, तो उस एक या दो क्वेश्चन के लिए आपको सारी सी लैंग्वेज करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी बेसिक थ्योरी पढ़ोगे तो लगभग उसी में से क्वेश्चन आने हैं। तो आप इसको बेसिक इसकी थ्योरी है वो कंप्लीट कर लीजिए। साथ ही जो दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो पहले कंसेप्ट पढ़िए ओप्स का कि ओप्स कंसेप्ट क्या होता है, प्रॉपर उसमें क्या क्या विशेषता होती है उसकी, और ये जो सी लैंग्वेज है उससे किस प्रकार से अलग है। उसके बाद में आप जो बेसिक कंसेप्ट पढ़िए जावा का और सी प्लस प्लस का कि सी प्लस प्लस में कौन से कीवर्ड्स यूज होते हैं, जावा में क्या क्या कीवर्ड्स यूज होते हैं, एनकैप्सुलेशन क्या होता है जावा के अंदर ये पढ़िए, जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, जावा में क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, इन बारे में आप जावा की थ्योरी पढ़िए कम्प्लीटली। एक दो इसका जो जावा का एक दो प्रैक्टिकल कर लीजिए, सी प्लस प्लस का एक दो प्रैक्टिकल कर लीजिए और सी लैंग्वेज के भी कुछ प्रैक्टिकल कर लीजिए, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है, कुछ प्रैक्टिकल कर लीजिए ताकि आपको बेसिक स्ट्रक्चर का पता लग जाए कि प्रोग्राम्स किस प्रकार से बन रहा है, किस प्रकार से कंपाइल हो रहा है, किस प्रकार से एग्जीक्यूट हो रहा है, और उसकी थ्योरी बिल्कुल भी मिस मत करिए, सारी की सारी थ्योरी पढ़िए। फिर आपको 26 नंबर पे करना है IDE के बारे में, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है कंप्यूटर में, आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसका एक कंप्लीट टॉपिक है, आप उसके नोट्स ले सकते हैं, ले अदरवाइज जब भी मैं इस टॉपिक को कवर करूंगा तो मैं आपको इस टॉपिक के बारे में पूरा बताऊंगा कि आई डी क्या होता है और इसके एडवांटेज क्या है। आगे चलते हैं 27 नंबर पे, 26 जो पॉइंट थे वो तो थे कंप्यूटर से रिलेटेड कि कंप्यूटर का फंडामेंटल कैसे पूरा करना है, अब सिलेबस में आ जाता है आपके जीके, तो आपको 1 आवर 1 घंटा रोज के जीके के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं, एटलीस्ट 50 से 100 इतने क्वेश्चन रोज आपको करने हैं। आप ये मान के चलिए जब तक आप क्वेश्चन ना करें, जब तक आपका दिन खत्म ना हो, इस डेडिकेशन से करेंगे तो आपके जीके के क्वेश्चन अच्छे खासे एक कलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको डिटेल में पढ़ना चालू करोगे तो मेरे हिसाब से अब देर हो गई है, इतना डिटेल में पढ़ना जीके अगर स्टार्ट कर देंगे तो अपना कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो अपना बाकी रह जाएगा। लेकिन अगर जिसका कंप्यूटर पोर्शन क्लियर है तो वो जीके का डिटेल में भी तैयारी कर सकता है। 28 नंबर पे मैं आपको बताता हूँ कि 1 आवर आपको करना है रोज की 1 घंटे प्रैक्टिस करनी है पूरी पूरी रीजनिंग पे। यहाँ से जो रीजनिंग स्टार्ट होती है बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग है और साथ साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा सॉल्विंग, ये जो चीज़ें हैं ये मैं कराऊंगा आगे टॉपिक। आप चाहो तो वैसे मैंने इसके लिए एक किताब बताई थी US शेखावत की, आप वो भी ले सकते हैं या जो भी आपको अच्छी किताब लगती है, जो आपको कोई प्रेफर करता है उस किताब से। रीजनिंग में कम से कम 1 घंटे रोज आपको प्रैक्टिस करनी है, तो 1 घंटा आपको करना है ये, 1 घंटा करना है आपको रीजनिंग, 2 घंटे। और आगे देखिए मैंने क्या लिखा है कि 27 और 28 जो पॉइंट हैं ये आपको करने हैं पैरेलल, किसके साथ, 1 से लेकर 26 पॉइंट के साथ। मतलब आपका पहला पॉइंट से आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, उसी समय आपका पॉइंट नंबर 27 यानी 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा जीके चलता रहेगा, इधर के ये 1 2 3 4 5 से बढ़ते रहेंगे और इधर के ये हमेशा आपके 2 है कॉमन चलते रहेंगे। मतलब आपको कभी भी रीजनिंग और जीके मिस नहीं करनी है, रोज आपको रीजनिंग और जीके करनी ही है, चाहे आधा घंटा करो चाहे 1 घंटा करो, आपको करनी है एटलीस्ट आधा आधा घंटा चाहे 1-1 घंटा, उसके साथ में कंप्यूटर की पढ़ाई करनी है। तो आप अपने समय को इस प्रकार से डिवाइड कर लो कि एक समय में आप कर लो ये कंप्यूटर, एक समय में आप कर लो रीजनिंग और जीके, इस प्रकार से टाइम को आप बांट सकते हो। इसके साथ लास्ट जो इंपॉर्टेंट टिप्स जो बहुत ही काम आया था हम लोगों के भी, वो भी आपको बता दूं मैं कि एग्जाम से 10 दिन पहले, जैसे डेट अभी 5 मई बता रहे हैं लेकिन कई जगह मेरे को भी सुनने में आ रहा है कि 5 मई से डेट कंफर्म नहीं है, तो जब भी डेट घोषित होती है वो एटलीस्ट 10 से 20 दिन पहले आपके वो डेट एकदम अनाउंसमेंट हो जाएगी कि डेट एग्जाम कब है, उससे 10 दिन पहले
आपको क्या करना है कि जितने भी सिलेबस आपका कवर हुआ है तो पहले ध्यान रखना कि आपका सिलेबस कंप्लीट कवर हो जाए। अगर आपका सिलेबस उसमें कवर नहीं होता है तो पहले सिलेबस कवर करिए, लेकिन सिलेबस अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पेंडिंग रह गया है तब एक बार सिलेबस को छोड़िए और करीबन 10 से 15 हज़ार के आसपास जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो ही सिर्फ आपको करने हैं। तो आपको पहला काम ये करना है, सिलेबस कवर करना है। सिलेबस कवर होने के जस्ट बाद ये जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो 10 दिन के अंदर वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं, जितने आप कर सकते हो वो आपके लिए दी बेस्ट रहेगा। क्योंकि दोस्तों देखो, एक बार पढ़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में करना आपके एक लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के बराबर हो जाएगा कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो तब आप वो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करोगे तो आपके आंसर मिलते रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा। दूसरा, पॉसिबल नहीं है कि जितना भी आपने मैंने आपको बताया उसमें सब चीज़ कवर हो जाए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछी जाती है लेकिन वो आपके सिलेबस से बाहर होती है। तो मार्केट के अंदर जो 10 से 15 हज़ार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई सिलेबस बाहर जाएगा। तो आप उन सबको कर लोगे तो आपका एक प्रॉपर जो सिलेबस कवर करने का तरीका है वो कम्प्लीट हो जाएगा। और स्क्रीन क्वेश्चंस के लिए आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, लेकिन बार बार मैं एक ही बात कहता हूँ कि आप गलत आंसर को याद मत करिए, आप वही आंसर देखिए जो आपको लगता है कन्फर्म है उसको याद करिए। जो अगर आपको लगता है कन्फर्म नहीं है तो पहले आप उसे गूगल पे चेक करिए, अच्छी वेबसाइट्स पे चेक करिए, चाहे IBM की वेबसाइट हो, चाहे वो विकिपीडिया हो, या इस पर चेक करिए, या फिर अपने जो गुरु है जिसको भी आप गुरु मानते हो, जो अच्छा प्रोफेशनल कंप्यूटर टीचर है उससे आप उसके बारे में डिस्कस करिए, तब उसका जो आंसर सही आंसर है तब उसको याद करिए, गलत आंसर को याद ना करिए। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, एक गलत आंसर आपको एग्जाम में सिलेक्शन की दौड़ से बाहर कर सकता है। अगर आपने किसी RBD से या किसी बुक से गलत आंसर कर लिया और किसी दूसरे ने उसका सही आंसर दे दिया तो आपको पता होगा आपके आसपास में से भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो पिछले एग्जाम में 1 या 2 नंबर से रह चुके हैं, तो वो 1 या 2 नंबर का गैप ही आपके लिए बहुत बड़ा मायने रख जाएगा। इसलिए कोई भी क्वेश्चन याद करें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो पहले कन्फर्म कर लें कि उसका आंसर सही है या नहीं। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से एक छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कमेंट्स के अकॉर्डिंग कि किस प्रकार से आप सिलेबस कवर कर सकते हैं। अगर इसमें इसके बावजूद भी आपको लगता है कोई ऐसा टॉपिक जो छूट गया है तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये इनफ है। इसके अकॉर्डिंग अगर आज भी स्टार्ट करते हो तो आप अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक सबके लिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और मैं अपनी व्यस्तता के चलते वीडियो फटाफट अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा जल्द से जल्द वीडियो आपके सामने बनाता रहूँ। धन्यवाद।